नमस्कार दोस्तों, अर्चना राठौर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टमाटर चटनी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते रेसिपी। टमाटर चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में एक चम्मच ऑयल डाल दिया था। ऑयल गर्म होने के बाद डाल दिया है राई और जीरा को। जीरा और राई तड़कने के बाद मैं यहाँ पे डालूंगी लहसुन, कट किया हुआ लहसुन डाल दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बारीक कट किया हुआ प्याज डाल दिया है। फ्राई कर लेंगे इसको। प्याज हल्का सा फ्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है कड़ी पत्ता। मिक्स करेंगे ऑयल में। और उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी टमाटर। मैंने 4 टमाटर को इस तरीके से रफली चॉप कर लिया था। और ऊपर से हम डालेंगे नमक और अच्छे से इसको भी गलने तक हम फ्राई करते रहेंगे चलाते हुए। टमाटर सॉफ्ट होने के बाद मैं यहाँ पे 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाल दूंगी। और उसके बाद 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी। आप लाल मिर्च का पाउडर आपके पसंद के हिसाब से डालिए। तो मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और मिक्स करेंगे। गैस को मीडियम रखना है यहाँ पे। उसके बाद मैं डालूंगी 2 बड़े चम्मच मूंगफली का पाउडर और ये धनिया पत्ता। सभी चीज़ों को फिर से हम मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक इसको पका के लेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और ये टमाटर चटनी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट टमाटर की चटनी हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाई है। तो दोस्तों, ये आसान सी रेसिपी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।